पिछले दर्स में मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि इंशाअल्लाह ताला गदीर खुम को हम एक दर्स में बाज़ाब्ता देखेंगे। तो गदीर खुम को देखने से पहले पहले तो मैं आपको गदीर खुम से पहले इसके पस मंज़र और कुछ और वाक़ियात जो इससे जुड़े हैं वो भी साथ बयान करता हूँ, फिर गदीर खुम को देखेंगे। तो फतेह मक्का के बाद तो ज़रा हम पहले जा रहे हैं, हम हज्जतुल विदा से 2 साल पहले जा रहे हैं। फतेह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू को यमन की तरफ तबलीग इस्लाम के लिए रवाना फरमाया। सैयदना अली मुर्तज़ा जब वहाँ पहुँचे तो हमदान कबीले को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। आपकी ज़बान मुबारक से जो कलमात निकले अल्लाह ताला ने हमदान के लोगों के दिलों के कुफल इनकी बरकत से खोल दिए और सारा कबीला मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। सैयदना अली मुर्तज़ा ने बारगाह रिसालत में एक अरीज़ा इरसाल किया जिसमें हमदान के कबूल इस्लाम की खुशखबरी तहरीर की। हुजूर ने जब कबीला हमदान के मुशर्रफ बा इस्लाम होने की खुशखबरी सुनी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम फ़र्त मुसर्रत से सरबस सुजूद हो गए और अल्लाह ताला की इस खसूसी नवाजिश पर सिदक़े दिल से इसका शुक्रिया अदा किया और कबीला हमदान को इन अल्फाज में दुआ से नवाजा, अस्सलामु अला हमदान, कबीला हमदान पर हमेशा अल्लाह की सलामती नाजिल हो। इसके बाद सन 10 हिजरी में माह रमज़ान, जिसको उलमा ने कैलकुलेट करके बताया है कि दिसंबर का महीना सन 631 मसीही, मसीही साल 631 और हिजरी का 10वां साल, इसमें रहमतुल आलमीन ने सैयदना अली मुर्तज़ा को 300 शहसवारों का अमीर बनाकर दूसरी बार यमन की तरफ रवाना किया। हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से परचम बांधा और हज़रत अली के हवाले किया, फिर अपने दस्ते मुबारक से इनके सर अकदस पर दस्तार बांधी और इन्हें रवाना करने से पहले इनको यूँ वसीयत फरमाई कि ए अली, अब आप अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाए, दाएँ बाएँ किसी चीज़ की तरफ इल्तफात ना करें। आपने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, इस सफ़र में मेरा तर्ज अमल कैसा हो? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब आप इस कौम के इलाके में पहुँचें तो जब तक वो आपके साथ जंग शुरू ना करें आप इन पर हमले में पहल ना करें। अगर वो आप पर हमला करें तो आप इस वक्त तक कोई जवाबी कार्रवाई ना करें जब तक आपके लश्कर का कोई मुजाहिद शहीद ना हो जाए। अगर वो आपके किसी मुजाहिद को शहीद कर दें तो फिर भी सब्र तहमुल से काम लें और ये ऐलान करें कि यह कौम, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के लिए तैयार हो? अगर वो इस बात में जवाब दें तो फिर इनसे दरियाफ्त करें, क्या तुम नमाज पढ़ने के लिए आमादा हो? अगर वो इसका भी जवाब इस बात में दें तो फिर इनसे पूछें कि क्या तुम अपने अमवाल से सदका व ज़कात देने के लिए तैयार हो, ताकि तुम्हारे सदक़ात व खैरात को तुम्हारे फ़ुक़रा और मसाकीन में तकसीम कर दिया जाए। अगर वो ये भी तस्लीम कर लें तो फिर इनसे किसी किस्म का तआरुज़ ना करें और ना इनसे मज़ीद किसी चीज़ का मुतालबा करें। खुदा की कसम, अगर अल्लाह ताला आपके हाथ पर एक आदमी को भी हिदायत अता फरमा दे तो ये सआदत तमाम इन चीज़ों से बेहतर और अफजल है जिन पर सूरज तुलू और गुरूब होता है। सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू 300 शह सवारों को हमरा लेकर सरजमीन मुजहज की तरफ रवाना हुए। वहाँ पहुँच कर अपने सवारों को इधर उधर भेज दिया। वो वापस आए तो इनके हमरा अम्वाल गनीमत में औरतें थीं, बच्चे थे, ऊँट बकरियाँ और बहुत सारी और चीज़ें थीं। ये पहला फौजी दस्ता था जो इस इलाके में वारिद हुआ। सैयदना अली ने हज़रत बरीदा बिन हसीब को इन माल गनीमत पर नाज़िम मुकर्रर किया। फिर आपकी मुलाकात इस इलाके के एक गिरोह से हुई। आपने इन्हें इस्लाम की दावत, इस्लाम कबूल करने की दावत दी। उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया और इस्लामी लश्कर पर तीरों और पत्थरों की बौछार शुरू कर दी। आपने अपने मुजाहिदीन को सफबंदी का हुक्म दिया और लश्कर का परचम मसऊद बिन सिनान असलमी के हवाले किया और अपने शहसवारों समेत इन पर हल्ला बोल दिया। थोड़ी ही देर में इनके 20 आदमी जो है वो लुकमाए अजल बन गए। बकिया लोगों ने राह फरार इख्तियार की, लेकिन आपने इनका ताक़ुब नहीं किया बल्कि इन्हें इस्लाम कबूल करने की दोबारा दावत दी। अब उन्होंने इस दावत को कबूल कर लिया और इनके बहुत सारे रुसा ने आपके दस्ते मुबारक पर इस्लाम की बैयत की। इन बैयत करने वाले सरदारों ने कहा कि हमारे जो लोग पीछे रह गए इनकी तरफ से भी हम इस्लाम की बैयत करते हैं। हमारे सारे अम्वाल आपके सामने हैं, इनमें से अल्लाह ताला का जो हिस्सा है वो आप ले लीजिए। सैयदना अली मुर्तज़ा ने तमाम अम्वाल गनीमत को एक जगह जमा किया, फिर इनको 5 हिस्सों में तकसीम किया और कुरानदाजी की। जिस हिस्से पर कुरा निकला इसे खुम्स करार दिया और इस खुम्स में से किसी मुजाहिद को कोई हिस्सा नहीं दिया गया। लोगों ने हज़रत अली से इस खुम्स से अपने हिस्से का मुतालबा किया, लेकिन आपने इनकार कर दिया। ये खुम्स मैं बारगाह रिसालत में पेश करूँगा और हुजूर पुरनूर की जैसे मंशा मुबारक होगी इसके मुताबिक अमल किया जाएगा।
हुजूर हज अदा करने के लिए मक्के में तशरीफ लाने वाले हैं, वहाँ हाजिर होकर शर्फ़ ज़ियारत से भी बहरावर हूँ और ये खुम्स भी हुजूर की बारगाह में पेश करूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे तकसीम फरमाएंगे। तो ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने अपने साथियों से कहा और ये उनका मौक़िफ़ था। खुम्स और दीगर अमवाले गनीमत आपके हमराह थे। इस खुम्स में यमनी कपड़ों की कई गांठें भी थीं, माल गनीमत के ऊँट भी थे और इनके अमवाल से बतौर सदक़ा और ज़कात के जो ऊँट या दीगर अमवाल वसूल किए गए थे वो भी साथ थे। हज़रत अली मुर्तज़ा बड़ी तेज़ी से अपने साथियों से पहले हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। हज़रत अबू राफ़े को अपने लश्कर और अमवाल खुम्स की निगरानी की जिम्मेदारी तफवीद की। सैयद अली मुर्तज़ा अपने साथियों को सदक़े के ऊँटों पर सवारी करने की भी इजाज़त नहीं देते थे। आपके मक्का रवाना होने के बाद इन लोगों ने हज़रत अबू राफ़े से मुतालबा किया कि इन्हें अहराम बांधने के लिए दो दो चादरें दी जाए। चुनांचे आपने इन सबको अहराम बांधने के लिए दो दो चादरें दे दी। ये लोग जब हुदूद मक्के के अंदर दाखिल हुए तो सैयदना अली मुर्तज़ा इनकी पेशवाई के लिए तशरीफ़ लाए। जब देखा कि इन सब ने तो खुम्स के पारचात से दो दो चादरें लेकर इनसे हराम बांधा हुआ है, तो आपने हज़रत अबू राफ़े से दरियाफ्त किया ये क्या है। उन्होंने बताया कि आपके तशरीफ़ लाने के बाद उन्होंने मुझसे मुतालबा किया, इसलिए मैंने इनको ये अहराम के लिए दो दो चादरें दे दी। आपने हज़रत अबू राफ़े को सरजनिश करते हुए फरमाया, जब तुमने देखा था कि मैंने इनके इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है तो आपने मेरी मंशा के खिलाफ इनको ये चादरें क्यों दी हैं। चुनाचे आपने कई लोगों से अहराम की चादरें वापस ले लीं। जब वो रहमत आलम की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने सैयदना अली करमल्लाहु वजहू के खिलाफ शिकायत के दफ्तर खोल दिए। हुजूर ने आपको याद फरमाया और इन शिकायत की वजह दरियाफ्त की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैंने कतअन कोई ऐसी बात नहीं की जिससे इनको शिकायत हो गई हो और इस गनीमत से जो इनका हिस्सा था मैंने इनमें तकसीम कर दिया, लेकिन खुम्स को महफूज रखा था कि इसे ताकि हुजूर की खिदमत में पेश करूं और हुजूर जिस तरह मुनासिब ख्याल फरमाएं इसके बारे में फैसला फरमाएं। तो ये एक पसे मंजर था जिसको हमको सामने रखना चाहिए कि लोग हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से बदजन हो गए थे इस मामले में, वो खुम्स में भी अपना हिस्सा चाहते थे और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने खुम्स में से उनका हिस्सा रोक रखा था। और उसकी वजह भी ये थी क्योंकि खुम्स में किसी का हिस्सा नहीं होता, खुम्स जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए होता है, जैसा कि हम बदर में और उसके बाद आने वाले तमाम वाकयात में पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ माले गनीमत के जो ऊँट थे उन पर भी हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने उन्हें सवारी करने से मना किया कि भाई ये तुम्हारा है ही नहीं, खुदा ना खास्ता किसी ऊँट को कुछ हो जाए तो फिर उसका जिम्मेदार तो मैं ठहरूंगा ना, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर लीडर हूँ, तुम्हारा सुपरवाइज़र हूँ। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू नहायत ही अमीन आदमी हैं, बहुत ही ज़्यादा दयानतदार, बहुत ही ज़्यादा तकवे वाले। ऐसे ही थोड़ी हज़रत अली करमल्लाहु वजहू जो है उनसे तसव्वुफ़ के इतने सिलसिले जितने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से चले हैं और किसी तरह से नहीं चले, बल्कि ज़्यादातर तसव्वुफ़ के सिलसिले वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू तक ही पहुँचते हैं। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का एक बहुत बड़ा विलायत में मुकाम है, बहुत बड़ा मुकाम है। तो वो लोग जो औलिया अल्लाह को पढ़ते हैं, जो औलिया अल्लाह की सोहबत इख्तियार करते हैं, जिन्हें तसव्वुफ़ से शगफ़ है, वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के मुकाम आला के बारे में कुछ ना कुछ उनको मारिफत होती है। बहरहाल वो हमारा भी सब्जेक्ट नहीं है, अब हम गदीर खुम की तरफ आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी जो एट द बैक ऑफ द माइंड आपको रखनी है। तो कुछ लोगों के दिल में इस तरह के ख्यालात हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के खिलाफ पैदा हो गए। अभी वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का मुकाम और अजमत नहीं जानते थे। अरकान हज अदा करने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम जानसारों के हमरा मदीना तैबा की तरफ रवाना हुए। जब ये कारवान अशाक गदीर खुम के मुकाम पर पहुँचा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब को यहाँ ठहरने का हुक्म दिया। तो गदीर खुम क्या है? गदीर खुम एक जगह का नाम है। अल्लामा याकूत हमवी मौजमुल बिल्दान में ये बात लिखते हैं कि गदीर खुम एक मौदे का नाम है जो मक्का और मदीने के दरमियान में वाक़ है और जोहफा के गांव से इसकी मुसाफत सिर्फ 2 मील है। तो मौजमुल बिल्दान की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 118 पर वो ये जुमला लिखते हैं, हज्जतुल विदा में अपने महबूब करीम की मायत में हज अदा करने की सआदत से बहरा अंदोज होने के लिए जजीरा अरब के गोशे गोशे से लोग यहाँ खिंचे चले आए थे।
हज से फिरागत के बाद हर एक ने अपने अपने इलाके की तरफ वापस जाना था। गदीर खुम वो मरकजी मुकाम था जहां से जजीरा अरब के तमाम अतराफ व अकनाफ की तरफ रास्ते जाते थे। रहमत दो आलम ने मुनासिब समझा कि इससे बेशतर के तमाम कबाइल यहाँ से मुंतशिर होकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं। इन लोगों के दिलों में हजरत सैयदना अली की बेदाग सीरत व किरदार के बारे में जो गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं, इनका कतई तौर पर इजाला कर दिया जाए, ताकि आज के बाद किसी कलमा गो के दिल में हजरत अली मुर्तजा की जात और सिफात के बारे में किसी किस्म की कोई गलत फहमी बाकी ना रहे। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कोई अहम खिताब फरमाना चाहते थे तो मुअज्जिन से अस्सलातु जामिया का ऐलान कराते थे, और ये आवाज सुनकर जहां कहीं भी कोई कलमा गो होता वो भागा चला आता। चुनाची इस रोज भी मुअज्जिन ने अस्सलातु जामियातुन के मानूस कलमात से ऐलान किया तो तमाम कबाइल जहां थे वहां रुक गए, ताकि अपने आका से रुखसत होने से पहले अपने हादी और मुर्शद के इन आखिरी कलमात को सुन भी लें और इन्हें जान भी लें और समझ भी लें। इस ज़मन में हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तस्नीफ असीरतुन नबुविया में इसके बारे में यूं लिखते हैं, ज़िलहिज्जा का महीना था, इस माह की 18वीं तारीख थी, इतवार का दिन था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर एक अजीम शान खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें सैयदना अली मुर्तजा के फजलो कमाल, अमानत व दियानत, अदल व इंसाफ के बारे में अपनी जबान ने हकीकत से बयान दे करके इस बात की शहादत दी कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू का क्या मुकाम है। इस शहादत के बाद अगर किसी गलत फहमी के बायस किसी के दिल में सैयदना अली मुर्तजा के बारे में कोई वसवसा था तो वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। हजरत बुरैदा बिन हसीब कहते हैं कि मैं भी उन लोगों में से था जिनके दिलों में हजरत अली की जात और सिफात के बारे में तरह तरह की गलत फहमियां पैदा हो गई थी। सरकार दो आलम के इस इरशाद पाक को सुनकर मेरे दिल में सैयदना अली मुर्तजा की इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि आप मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब बन गए। तो इसको हाफिज इब्ने कसीर ने नकल किया है सीरतुन नबुविया की जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 333 पर। अल्लामा हाफिज इब्ने कसीर की ये जो तसनीफ है बहुत ही खूबसूरत तसनीफ है, सारी दुनिया इससे इस्तेफादा हासिल करती है। अल्लामा इब्ने कसीर जो है एक और कौल भी ज़मन में लाते हैं कि इसी जिल्द के सफा नंबर 415-416 पर आते हैं। इमाम अहमद की ये रिवायत है, जो इमाम अहमद फरमाते हैं उन्होंने सईद इब्ने जुबैर से, उन्होंने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, उन्होंने बुरैदा से रिवायत किया जो हजरत अली के क्या है, फर्स्ट कजन है। ठीक है, हजरत अब्बास और हजरत अबू तालिब ये भाई हैं, हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला हैं, अबू तालिब के बेटे अली हैं, ये दोनों फर्स्ट कजन हैं। हजरत बुरैदा खुद रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं सैयदना अली मुर्तजा की मैयत में यमन की तरफ गया, मैंने आपसे सख्ती और दुरुस्ती का मुशाहिदा किया। जब भी बारगाह रिसालत में जब मैं वापस हाजिर हुआ तो मैंने हजरत अली के बारे में शिकायत की, जिसे सुनकर हुजूर के रुख अनवर के रंग मुतग़य्यर हो गए और हुजूर ने फरमाया कि ए बुरैदा, क्या मैं तुम अहले ईमान से इनके नफ्सों से भी ज्यादा करीब नहीं हूँ? तो वो कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि बेशक या रसूल अल्लाह, आप तमाम मुसलमानों से इनकी जानों से भी ज्यादा करीब हैं। ये सुनकर हुजूर ने फरमाया, अब जो जुमला मैं आपसे कह रहा हूँ ये हुजूर के अल्फाज हैं, और ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं इनको अगर आज कोई कह दे तो लोग समझते हैं कि वो शिया हो गया है, हालांकि ये शियत के जुमले नहीं हैं, ये हमारी हदीस की किताबों के जुमले हैं, और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, और इन अल्फाज को कहने से शियत का दावा नहीं होता बल्कि सुन्नियत का दावा होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुंतु मौलाहु फअलीयुन मौलाहु। एक दफा फिर सुने, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, हाफिज इब्ने कसीर ने भी इनको रिवायत किया है और इनको इमाम अहमद से रिवायत किया है। मुस्नद इमाम अहमद जो हदीस की किताब है, और इमाम अहमद जो है वो इमाम बुखारी के असातिजा में से हैं,
और इमाम अहमद इब्न हम्बल इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े आलिम हैं कि पूरी फिक्र का सिलसिला उनसे चलता है। तो उन्होंने इस हदीस को रिवायत किया है और वो इसमें अकेले नहीं हैं। ये हदीस कई तुरक से रिवायत की गई है और बड़ी जय्यद सनद के साथ और बड़ी कवी सनद के साथ। इसके तमाम रावी सिका हैं और अस्हाब सुनन ने जो शरायत किसी हदीस की सेहत के लिए रकम की हैं, वो सारी की सारी शरायत इस रिवायत में पाई जाती हैं। इमाम तिर्मिजी ने भी इस हदीस को सही करार दिया है। क्या अल्फाज हैं? मन कुंतु मौलाहु फअलीयुन मौलाहु, मैं जिसका दोस्त और महबूब हूं, मैं जिसका मौला हूं, बल्कि दोस्त और महबूब तो लफ्जी तर्जुमा है, मैं हदीसी के लफ्ज आपको देता हूं, मैं जिसका मौला हूं, अली भी इसका मौला है। अल्लाहु अकबर। तो फिर अगर मौला अली कोई कह दे तो ये तो हुजूर की बात की ताईद हो रही है। मौला अली कहने से शियत साबित नहीं होती, समझ आ रही है बात? ये बड़ा मसला है आजकल कि लोग इतने दूर हो गए हैं दीन की पाकीजगी से, दीन की मोहब्बतों से, सहाबा कराम की मोहब्बत से, अहले बैत की मोहब्बत से, कि उन्होंने इस मोहब्बत को लोगों के खातों में डालना शुरू कर दिया है कि अगर कोई यूं मोहब्बत का इजहार करता है तो वो सुन्नी है, और कोई यूं मोहब्बत का इजहार करता है तो वो शिया है, और कोई यूं मोहब्बत का इजहार करता है तो ये फलाना है। हाँ, और ये हुजूर के अल्फाज हैं, मन कुंतु मौलाहु फअलीयुन मौलाहु। तो फिर मौला अली कहने में क्या मुजायका है, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। अच्छा, जैद इब्ने अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह की माईयत में एक जगह उतरे, ये वादी खुम के नाम से मौसूम थी। बस अस्सलातु जामियतुन का जब ऐलान किया गया तो लोग जमा हो गए। हुजूर ने पहले नमाज अदा करने का हुक्म दिया। ज़ैद इब्ने अरकम कहते हैं कि फिर हुजूर ने हमें खिताब फरमाया। मैं अपनी चादर के जरिए उस दरख्त पर साया किए हुए था जिसके नीचे हुजूर तशरीफ फरमा थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ताकि धूप का तारा भी ना पड़े। हुजूर ने फरमाया, अलस्तुम तालमून, क्या तुम इस बात को नहीं जानते? अव अलस्तुम तशहदून, क्या तुम इस बात की शहादत नहीं देते? किस बात की? कि मैं हर मोमिन से इसकी जान से भी ज्यादा करीब हूं। इन्नी औला बिकुल्ली मोमिन मिन नफ्सिही। कालू बला, सबने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, बेशक बेशक आप करीब हैं, हम सबकी जानों पर आपकी मुकद्दम है। तो फिर हुजूर ने क्या कहा? काला मन कुंतु मौलाहु, मन कुंतु मौलाहु फइन्ना अलियन मौलाहु, मैं जिसका मौला हूं बिततहकीक अली भी उसका मौला है। फइन्ना अलियन फइन्ना बिततहकीक, अब ये दो अलग अलग रिवायतें हैं क्योंकि अलग अलग रावी हैं इसके। पहली रिवायत में क्या था? मन कुंतु मौलाहु फअलीयुन मौलाहु, इसमें है मन कुंतु मौलाहु फइन्ना अलियन मौलाहु फइन्ना, इसमें अब बिततहकीक आ गया, ये ज्यादा शिद्दत के साथ है। फिर अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु वादिमन आदाहु, ये भी इसके साथ हुजूर ने दुआ फरमाई। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, ए मेरे रब, वालिमन वालाहु वादिमन आदाहु, हाजा इस्नादुन जय्यदुन रिजालुहु थिकातुन अला शर्त सुनन वकद सहहत तिर्मिजी बिहाज़ा सनद। तो इसको जो है इमाम तिर्मिजी ने इस सनद के ऊपर कहा है कि ये दर्जा सही को पहुंचती है और इसकी इस्नाद जय्यद है और इसके सारे के सारे रावी दर्जाए सिकाह पर है। और जब सब ने इरशाद नबूवत की ताईद कर दी तो रहमत दो आलम ने क्या फरमाया? मन कुंतु मौलाहु फइन्ना अलियन मौलाहु अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहु वादिमन आदाहु, कि जिसका मैं मौला हूं, जिसका मैं मौला हूं, उसका अली भी मौला है। तो इसका बाज़ उलमा ने यह तर्जुमा भी किया है कि जिसका मैं मददगार और दोस्त हूं, क्योंकि मौला के कई माने निकलते हैं, इसलिए मौला के तमाम माने लफ्ज़ मौला में ही सिमट जाते हैं, इसलिए मैं मौला ही का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। जिसका मैं मौला हूं,
अली भी इसका मौला है। ऐ अल्लाह, आगे हुजूर ने दुआ भी की, अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु वादी मन आदाहु, ऐ अल्लाह जो इनको दोस्त बनाता है इसको तू भी अपना दोस्त बना, और जो इनसे अदावत करता है इनसे तू भी अदावत कर। तो हुजूर की दुआ ये किसके लिए है? सैयदना अली अल मुर्तजा के लिए कि मेरे पाक परवरदिगार जो अली को दोस्त बनाता है, जो अली को मौला बनाता है, आय हाय हाय, तू भी उसको दोस्त बना ले, और जो अली से अदावत करता है ए अल्लाह तू भी उससे अदावत कर। अल्लामा इब्ने कसीर इस हदीस के बारे में लिखते हैं कि इसकी सनद जय्यद है, इसके सारे रावी सिका हैं और कुतुब सुनन के मयार पर पूरे उतरते हैं, और इमाम तिर्मिजी ने भी इसको सही करार दिया है। तो ये दो ऐसी रिवायतें हैं जिनकी सेहत के बारे में उलमाए हदीस में कोई इख्तिलाफ नहीं। अगरचे इमाम इब्ने कसीर ने चंद और अहादीस भी लिखी रकम की है जिमन में, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ ये दो पेश कर रहा हूं, इन्हीं पे इक्तफा कर रहा हूं। कई हदीस है, इस हदीस से शिया हजरात ने इस अमर पर इस्तदलाल किया है कि हुजूर ने इरशाद फरमाकर सैयदना अली मुर्तजा की खिलाफत के बारे में ऐलान किया। तो यहां पर एक मुतनाज़ अमर आता है, तो यहां पे एक फहम का इख्तलाफ है। शिया हजरात इस हदीस को जब लेते हैं तो वो यहां से खिलाफत अख्स करते हैं, हम जब इस हदीस को लेते हैं तो हम खिलाफत नहीं अख्स करते, हम मुकाम सैयदना अली करम अल्लाह वजह अख्स करते हैं। तो हम मौला अली के मुकाम को अख्स करते हैं, लेकिन ये इस्तदलाल जो उनका है, शिया हजरात का है, वो अहले हक के नजदीक कतअन ऐसा नहीं है। इसकी मुतअद्दिद वजूहात है। पहली वजह तो यह है कि लफ्ज़ मौला मुश्तरक है, ये 21 मानों पर दलालत करता है, 21 और लफ्ज़ मुश्तरक अपने तमाम मानी पर बयक्त वक्त दलालत नहीं करता, इसके लिए किसी एक मानी का तायुन जरूरी होता है, और इसके लिए करीना और दलील की भी जरूरत है जिसकी बिना पर दीगर मानी को नजरअंदाज कर दिया जाता है और एक मानी पर वो दलालत करता है। यहां कोई ऐसा करीना नहीं जिसके पेश नजर इस लफ्ज के बाकी मानी को नजरअंदाज करके लफ्ज खलीफा ही इससे मुराद लिया जाए, क्योंकि सियाक व सबाक जो है इसकी ताइद नहीं करते। इस मौके पर किसी ने भी हजरत अली करमल्लाहु वजहू की खिलाफत का कहीं जिक्र नहीं किया, सराहतन न किनायतन न जमनन। जब यहां खिलाफत का किसी भी तरह का जिक्र है ही नहीं, तो यहां हदीस से सैयदना अली करमल्लाहु वजहू की खिलाफत का इस्तिंबात करना, साबित करना, वो कतान जो है फहम क्या जो है वो गलत फहम है, यूं समझ लें कि वो फहम ही गलत है, क्योंकि ये किसी माना में भी खिलाफत की तरफ नहीं जाता। या अगर कोई मसला जेरे बहस था तो वो सैयदना अली करमल्लाहु वजहू की जात के बारे में वो शिकायत थी जो बाज लोगों ने बारगाह रिसालत में पेश की थी। उन्होंने मुजाहिदीन के साथ बड़ा दुरुसलूक करवा रखा, बैतुल माल में नए कपड़ों के कई थान मौजूद थे, मुजाहिदीन का लिबास तवील सफर के बायस बोसीदा और मैला हो चुका था। उन्होंने दरख्वास्त की कि इन्हें इन नए कपड़ों में से चादरें वगैरह दे दी जाएं ताकि वो एहराम बांधे, लेकिन आपने इनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इस किस्म की चंद और दीगर शिकायत थीं जो हुजूर की खिदमत में शेर खुदा के बारे में अर्ज की गई। हुजूर ने इन्हीं शिकायत का इजाला करने के लिए और मौला अली की अमानत और दियानत को हर शक व शुबे से बालातर साबित करने के लिए इरशाद फरमाया, ताकि अब जब के लोग यहाँ से अपने अपने इलाकों को जा रहे हैं, किसी के दिल में अल्लाह और इसके दीन के शेर के बारे में किसी किस्म की गलत फहमी ना हो, क्योंकि हजरत अली कौन है? शेर खुदा है। अल्लाह अकबर। जैसे खालिद इब्ने वलीद क्या है? वो अल्लाह की तलवार है, सैफुल्लाह है, ठीक है। तो हजरत अली असदुल्लाह है, वो असदु रसूले हैं और अल्लाह के रसूल के भी शेर हैं। क्या है? असदुल्लाह ही व असदु रसूल है, अल्लाह के भी शेर हैं, अल्लाह के रसूल के भी शेर हैं। अच्छा, किसी के दिल में इनके बारे में कोई गलत फहमी ना हो, इन इरशादात से जुमला हाजरीन को खिताब फरमाया,
या खिलाफत के मौजू पर ना कोई गुफ्तगू हुई, ना इस मौजू के बारे में किसी ने इख्तलाफ किया और ना हुजूर ने खिलाफत के मौजू को जेर बहस लाकर यह इरशाद फरमाया। अगर ऐसा ही होता तो हजरत अली करमल्लाहु वजहू भी इसको यूज करते और कहते कि हजरत अबू बकर का जमाना देखा, हजरत उमर का जमाना देखा, हजरत उस्मान का जमाना देखा, किसी वक्त तो यूज करते। तो हुजूर ने तो मुझे मौला कहा है, मैं खलीफा हूं, तो हुजूर का इरशाद तो सबने सुना था। अच्छा, साहिब ताजुल उरूस ने लफ्ज मौला के मुतअद्दिद मानी लिखे हैं, ठीक है। अल मौला वो लिखते हैं, अल मौला का एक मानी है अल मालिक, एक है अल अब्दु, एक है अल मुअतिकु, एक है अल मुअतकु, एक है अल मुअतिकु, एक है अल मुअतकु, एक है अल साहिब, एक है अल करीब, अल जारु, अल हलीफु, इब्नुल अम, कजन को भी कहते हैं, अल नजीलु, अल शरीकु, इब्नुल उख्त, الوليو الرب الناصر المنعم المحب التابع الصهر। तो मोहम्मद मुर्तजा जुबैदी ने ताजुल उरूस नाम की किताब लिखी है। ये करीबन आप समझ लें कि कोई 250 साल पहले की किताब होगी। ये काहिरा में लिखी गई थी। तो इसकी जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 3989 के ऊपर ये नाम, ये मीनिंग्स उन्होंने नकल किए हैं मौला के, ठीक है। तो इस सयाक व सबाक में गौर करने से वाजे हो जाता है कि यहाँ मौला के माने मुहिब, मोहब्बत करने वाला, सिद्दीक, सच्चा दोस्त, नसीर यानी मदद करने वाला। इन मानी से खिलाफत पर इस्तदलाल करना बेमहल सी बात है। और शिया ने अपनी किताब के उसूल में अमर की बार बार तस्री की है कि खिलाफत को साबित करने के लिए दलील का कतई और हदीस का मुतवातिर होना जरूरी है। जो दलील कतई ना हो और जो हदीस मुतवातिर ना हो, इनसे खिलाफत साबित नहीं हो सकती, क्योंकि ये अमर शिया के मुसलमा उसूलों के खिलाफ है। और चूंकि ये हदीस खबर मुतवातिर नहीं, इसलिए सैयदना अली मुर्तजा की खिलाफत पर इससे इस्तदलाल करना उनके अपने मुसलमा उसूलों के खिलाफ है, इसलिए काबिल तस्लीम नहीं है। तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस बात को कुछ यूं लिखते हैं, मदारिजुन नबुवा, ये बहुत ही खूबसूरत किताब है जिसे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है। इसकी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 402 पर वो ये लिखते हैं कि लफ्ज मुश्तरक के मुतअद्दिद मानी हैं, लेकिन इनमें मानी से किसी एक मानी की तख्सीस या तायुन के लिए दलील दरकार है, और बगैर दलील के इसके मुतअद्दिद मानी से एक मानी की तायुन दुरुस्त नहीं है। हम अहले सुन्नत और वो अहले शिया इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सैयदना अली हमारे महबूब, हमारे मददगार और हमारे सरदार हैं, और हदीस का सियाक भी इन्हें मानी की तायद करता है कि इन लोगों ने सैयदना अली करमल्लाहु वजहू पर जो एतराज किए हैं वो बेमानी और लगव है, बल्कि आप तो तमाम मुसलमानों के महबूब, मददगार और सरदार हैं। और हदीस में लफ्ज मौला मस्कूर है, और मौला का लफ्ज इमाम के मानी में न अजरुए लुगत और न अजरुए शरीयत दोनों लिहाज से मुस्तामिल नहीं होता, इस्तेमाल नहीं होता। जब लुगत और शरीयत दोनों मौला को इमाम के मानी में इस्तेमाल नहीं करती, तो इससे पता चलता है कि इस इरशाद गिरामी का मकसद ये था कि अगर किसी के दिल में शेर खुदा के बारे में बुग्ज़ और नाराजगी का कोई शायबा तक भी हो तो वो इससे इज्तनाब करे और दस्तबरदारी का ऐलान कर दे। अल्लामा इब्ने हजर कहते हैं कि हम एक लम्हे के लिए अगर तस्लीम कर लें कि यहाँ मौला औला के मानी में है, लेकिन ये कहां से साबित होता है कि औला से भी इमामत मुराद होती है। कुरान करीम की अगर आप आयत देखें, ये सूरह आले इमरान की आयत है, इन औलन नास बि इब्राहिम लल्लजीन तबाउहु व हादा नबी वल्लजीन आमनु, बेशक नजदीक तर लोग इब्राहिम अलैहि सलाम से वो थे जिन्होंने इनकी पैरवी की, और ये नबी करीम और जो इस नबी पर ईमान लाए अल्लाह ताला मददगार है मोमिनों का। तो तमाम दलाइल से अकवा दलील ये है कि सैयदना अली मुर्तजा ने किसी वक्त भी अपनी खिलाफत को साबित करने के लिए यह हदीस पेश नहीं की।
कभी इससे इस्तदलाल नहीं किया। अगर इस हदीस का वही मफहूम होता जो शिया हजरात कहते हैं तो हजरत अली इस इरशाद नबवी से जरूर इस्तदलाल करते और सहाबा कराम जब अपने आका का ये फरमान सुनते तो हजरत अली करमल्लाहु वजह सर्टनली खलीफा बन जाते। आपका अपनी खिलाफत को साबित करने के लिए किसी वक्त भी इस रिवायत से इस्तदलाल न करना इस बात की कवि दलील है कि यहाँ मौला के माने खलीफा नहीं बल्कि नासिर मुहिब और सरदार है। और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी जाहिरी हयात तय्यबा के आखिरी अय्याम गुजार रहे थे तो एक रोज हजरत अली और हजरत अब्बास हुजूर की खिदमत से बाहर आए। हजरत अब्बास ने हजरत अली को मशवरा दिया कि आप इस वक्त खिलाफत के बारे में बारगाह रिसालत में अर्ज करें ताकि हमें मालूम हो जाए कि हुजूर के बाद मनसबे खिलाफत पर कौन मुतमक्किन होगा। हजरत अली करमल्लाहु वजहु ने जवाब दिया कि मैं हरगिज़ हुजूर से इसके बारे में इस्तफसार नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ये अंदेशा है कि अगर मैं खिलाफत का मुतालबा करूँ और हुजूर मुझे अपना खलीफा मुकर्रर ना फरमाएं तो फिर हमेशा के लिए हम इस मनसब से महरूम कर दिए जाएंगे। उनको तो चाहिए था उस वक्त ये हदीस पेश करते। अगर इस हदीस से हुजूर का मकसद हजरत अली मुर्तजा की खिलाफत का ऐलान था तो फिर हजरत अब्बास का ये मशवरा देना बेमानी था और सैयदना अली का इन्हें ये जवाब देना भी काबिल कबूल नहीं। अगर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ चंद रोज कबल गदीर खुम के मौके पर अपने इस इरशाद गिरामी से हजरत अली मुर्तजा को अपना खलीफा नामजद कर दिया होता तो फिर इस एहतमाल की गुंजाइश न थी जिसके बायस हजरत अली ने हजरत अब्बास के मशवरे को मुस्तरद कर दिया। शिया का यह कहना है कि सहाबा को इस नस का इल्म था लेकिन उन्होंने दानिस्ता इसकी पैरवी से इनकार कर दिया। और शिया का यह कहना है कि हजरत अली ने इस वक्त बतौर तकिया खामोशी इख्तियार की। अल इयाज़ बिल्ला, सहाबा का आपको इतना खौफ था कि आपने हुजूर के इस वाज़ेह इरशाद के बयान के बारे में अपने आप को खामोश रखा। मतलब एक तरफ तो हम हजरत अली करमल्लाहु वजह को शेर खुदा कहें और फिर हम ये कहें कि हजरत अली करमल्लाहु वजह माद अल्लाह तकिया करके खामोश हो गए। हजरत अली करमल्लाहु वजह तो बहुत बहादुर आदमी हैं। हजरत अली को ये क्या बनाकर पेश करते हैं। सैयदना अली मुर्तजा की शख्सियत का दामन इस किस्म के इल्जामात और तोहमात से बिल्कुल मुबर्रा है। उनकी शख्सियत को ये जो समझते नहीं वही इस तरह की बात कर सकते हैं कि एक बात हजरत अली को पता और वो भी हुजूर का इरशाद और वो इस पे खामोश हो जाए। यानी कोई शख्स अपने दिल में इस तरह का ख्याल ला भी नहीं सकता कि सैयदुस सादात और तमाम बहादुरों के सरदार हजरत सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु माज़ अल्लाह इस बुजदली और तकिये वहमो गुमान भी नहीं कर सकते हम कि हजरत अली करमल्लाहु वजह की पर्सनैलिटी में ये डेफिनेशन फिट नहीं होती और ये सरासर किज़्ब और इफ्तरा है। अली मुर्तजा की शुजात, अदल, बेमिसाल कुव्वत और अंसार में और सहाबा कराम में जब भी उनको कोई बात करनी होती तो हजरत अली करमल्लाहु वजह जो है बड़ी बेबाकी से करते थे। और जब सकीफा बनी सायदा में खिलाफत के मसले पर मुहाजिरीन और अंसार में इख्तिलाफ बड़ी संगीन सूरत इख्तियार कर गया कि खलीफा कौन होगा तो इस खतरनाक सूरत हाल के बावजूद सैयदना अबू बकर ने पूरे जोश आजम के साथ अपने आका के इस इरशाद को पूरे मजमे में ऐलान करके फरमाया कि हुजूर ने फरमाया कि खलीफा सिर्फ कुरैश से होगा, खलीफा सिर्फ कुरैश से होगा। तो उस वक्त इतने संगीन हालात में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने हुजूर की हदीस पेश की। तो क्या हजरत अली करमल्लाहु वजह हुजूर की हदीस नहीं पेश कर सकते थे। आप ये क्या साबित करना चाहते हैं इस कसम की बातें करके। तो इस वक्त तमाम अंसार और महाजरीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के सामने सर तस्लीम कर दिया, सर तस्लीम खम कर दिया और किसी ने उफ तक भी ना कही कि भाई हुजूर का इरशाद है। अल आइम्मा तुम इन कुरैश, बस बात खत्म हो गई। और उसके पीछे रीजन क्या था वो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और दर्स में दूंगा जब हम सकीफा बनी सायदा तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर इस इरशाद नबी का यही मफहूम होता जो शिया साहिबान कहते हैं तो अली मुर्तजा इस दलील से इस हदीस का ऐलान करके अपनी खिलाफत पर इस्तदलाल करते कि भाई देखो ठीक है हम, मैं भी कुरैश से हूँ और ये दूसरी हदीस भी है मेरे पास, ठीक है मुझे खलीफा बनाओ। तो सहाबा कराम में भी उसको कबूल करते जैसा इस हदीस को कबूल किया। लेकिन हजरत अली करमल्लाहु वजह जो है आपने इस हदीस से इस्तदलाल नहीं किया और ना तकिया किया। माज़ अल्लाह हजरत अली करमल्लाहु वजह को इस तरह तो ना पेश करो।
कि उनको उनके मुकाम से नीचे कर दो। अच्छा, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हजरत अली करम अल्लाह वजह के बड़े साहबजादे हैं, मेरे पाक नबी के शहजादे हैं, जन्नत में जवानों के सरदार हैं, उनके साहबजादे हसन अल मुसन्ना का फैसला कुन इरशाद, अब आप सुनिए तवज्जो के साथ सुनिए। हजरत हसन मुसन्ना से दरियाफ किया गया कि ये जो इरशाद नबी है, मन कुंतु मौलाहु फअलीयुन मौलाहु, सैयदना अली मुर्तजा की इमामत और खिलाफत के लिए नस है, तो उन्होंने क्या फरमाया अपने दादा के बारे में कि अगर ये नस होती और इससे सैयदना अली करमल्लाहु वजहू की इमामत और खिलाफत को साबित करना मकसूद होता तो हुजूर वजाहत और फसाहत से यूं फरमाते कि या अय्युहन नास, ए लोगों, मेरे बाद ये अली मुर्तजा तुम्हारे वाली होंगे, हादा वालिम बादी वल कायम अलैकुम बादी फस्मऊ लहू वअतीउहू, और मेरे बाद ये तुम्हारे उमूर के नाजिम होंगे, इनके हुक्म को सुनना और इनकी इताअत बजा लाना। हुजूर को इशारतन किनायतन बात करने की जरूरत ही नहीं थी अपने सहाबा से, क्या नबी ऐसे करते हैं? माद अल्लाह माद अल्लाह, यानी ये जो बात करते हैं ये बात कितनी ऊपर तक जाती है, ये बात करने से पहले सोचते नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। बाखुदा अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना खलीफा बताया होता और आपने इसका मुतालबा करने से इज्तनाब किया होता तो ये हजरत अली करमल्लाहु वजहु की सबसे बड़ी गलती होती। ये सीरत हलबिया की जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 398 पर ये स्टेटमेंट हजरत अली करमल्लाहु वजहु के अपने पोते की है अपने दादा के बारे में, तो अब आप इससे अंदाजा करें कि हजरत अली करमल्लाहु वजहु का कितना आला और अरफा मुकाम है, और कुछ लोग अपनी जिहालत के बायस और हट धर्मी के बायस हजरत अली करमल्लाहु वजहु के ना मुकाम को समझते हैं और उनके बारे में एक ऐसी तावील पेश करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है और किसी तरीके से सेंस नहीं करती। तो मदीने से वापसी के सफर में जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर खुम के मुकाम पर पहुंचे जो राबुक के करीब है, तो आपने सहाबा को जमा किया और इनके सामने खुतबा दिया कि जिसमें आपने हजरत अली के फजाइल बयान फरमाए, आपने इन एतराजात से हजरत अली की बरात की जिनके मुतालिक बाज ऐसे सहाबा चेमोगोइया कर रहे थे जो यमन में इनके साथ थे, क्योंकि वहां हजरत अली ने अपने साथियों के हक में कुछ ऐसे फैसले किए थे जो बिल्कुल ऐन हक पर थे लेकिन लोगों को गवारा नहीं थे। हालांकि वो फैसले बिल्कुल ठीक किए थे हजरत अली ने, लेकिन लोगों को गवारा नहीं थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया कि लोगों, दर हकीकत तुम्हारी तरह मैं भी एक बशर और बंदा हूं, मुमकिन है अब जल्द ही मेरे पास मेरे रब का एलची यानी बुलावा आ जाए और मैं इसके आगे सर तस्लीम खम कर दूं। तबरानी में जो रिवायत है इसके अल्फाज ये हैं कि लोगों, मुझे खुदाए लतीफ़ खबीर ने खबर दी है कि इसने हर नबी को जो उम्र दी है वो इस नबी की उम्र से आधी उम्र होती है जो इससे बिल्कुल पहले और करीब तरीन नबी गुजरा है। मेरा ख्याल है कि अब अन करीब ही मेरा बुलावा आने वाला है और मैं अपने रब के बुलावे पर सर झुकाऊंगा, मैं भी खुदा के सामने जवाब दे हूं और तुम भी जवाब दे हो, अब तुम क्या कहते हो? तो सहाबा ने अर्ज किया, हम गवाही देते हैं कि बेशक आपने तबलीग का हक अदा कर दिया, इसमें पूरी मेहनत फरमाई और नसीहत तमाम कर दी, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर अता फरमाए। आपने फरमाया, क्या तुम इसकी गवाही नहीं देते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बंदा और रसूल है और ये कि जन्नत और दोजक और मौत बरहक चीज़ें हैं और ये कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना बरहक है और ये कि क़यामत आने वाली है जिसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है और ये कि अल्लाह ताला इन लोगों को दोबारा जिंदा करके उठाएगा जो कब्रों में पहुंच चुके हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, बेशक हम इन तमाम बातों की गवाही देते हैं। तो इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह तू गवार है। फिर आपने लोगों को तलकीन फरमाई कि अल्लाह की किताब यानी कुरान पाक पर जमे रहो, और इस मुकाम पर हुजूर ने जो जुमला फरमाया वो उस पिछले खुतबे में नहीं फरमाया था जो अरफा में दिया था,
वहां पर क्या फरमाया था कि किताबुल्लाह को पकड़े रहो, ठीक है, वहां पर किताबुल्लाह को पकड़े रहो की तलकीन की थी और सुन्नत मुहम्मदी को पकड़ने की तलकीन की थी। अब इस तर एक और तलकीन की हुजूर ने, यह हदीस भी मौजूद है, कहा कुरान पाक पर जमे रहो और अपने अहले बैत यानी घर वालों के बारे में लोगों को नसीहत फरमाई। आपने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरे अपने घराने यानी अपने घर वाले। तुम लोग मुंतशिर होकर फूट मत डाल लेना यहां तक कि तुम सब हौज़े कौसर पर मेरे पास जमा हो जाओ। यानी अहले बैत की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसमें अजवाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, हुजूर की तमाम बीवियां भी हैं, हुजूर की औलाद भी है, हजरत अली करमल्लाहु वजहू भी, हजरत जाफर भी हैं उनकी औलाद भी, हजरत अली की औलाद भी है, हजरत अब्बास भी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी हैं, ये सब अहले बैत है। अहले बैत से जुड़ोगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान पे अमल करोगे, अहले बैत से दूर हो गए और उनको शियत के खाते में डाल दोगे तो तुम ये गलत करोगे, हुजूर के फरमान के खिलाफ करोगे। बड़ा दुख होता है कि मिंबर रसूल पर खड़े होकर सारा सारा साल लोग खुतबा देते हैं और एक बार अहले बैत का जिक्र नहीं करते और एक बार ये खुसूसी एहतमाम नहीं करते कि खुतबों में आज हम सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत हदीसें पढ़ेंगे, हजरत हसन और हजरत हुसैन से रिवायत हदीसें पढ़ेंगे, आज अहले बैत अथार का जिक्र होगा, आज अजवाज मुताहरात का जिक्र होगा, आज हदीसों में जब हम कहेंगे कि ये बीबी आयशा रिवायत करती हैं तो हम लोगों को बताएंगे ये अहले बैत की हदीस है। ये इत्मीनान नहीं होता, पता नहीं लोग किससे डरते हैं या पता नहीं लोगों ने यह जहन बना लिया है कि अहले बैत का जिक्र कसीर करना शायद शियों का हक है, माज़ल्ला। हालांकि ये तो सरासर सुन्नियत है कि अहले बैत का जिक्र किया जाए, क्योंकि हुजूर ने कहा कि ये दो चीजें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, किताबुल्लाही अल्लाह की किताब और अपने घर वालों को, अपने घराने को, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना ही तो है जो बताएगा कि हुजूर की जिंदगी क्या थी जब घर में थे। सहाबाए कराम दीगर तो बाहर वाली हयात बताएंगे, घर वाली हयात कौन बताएगा, हुजूर की तहज्जुद कौन बताएगा, हुजूर का घर में सुलूक कौन बताएगा, हुजूर का नवासों के साथ क्या करना, हुजूर का ससुरालियों के साथ क्या करना, हुजूर का कजन्स के साथ, चचा के साथ, कजन्स के बच्चों के साथ, ये सारा कुछ घर का हाल कौन बताएगा, सारा दीन तुम्हारा मुकम्मल कौन करेगा, तुम्हें खानगी हालात से हुजूर के कौन आगाह करेगा, ये घर वाले ही करेंगे ना मेरा भाई, बाहर वाले तो नहीं जानते ये हाल। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही। इसके बाद आपने हजरत अली के बारे में इरशादात फरमाए। इससे पहले आपने तीन दफा लोगों से यह सवाल किया, क्या मैं तुम लोगों के दरमियान खुद तुमसे ज्यादा औला और बेहतर नहीं हूं। तीनों मरतबा साहबा ने जवाब दिया मैं, हम इस बात की तस्दीक करते हैं, इसका इतराफ करते हैं। तब आपने हजरत अली का हाथ बुलंद करके फरमाया मैं जिसका मौला और आका हूं, अली भी इसका मौला और आका है। ऐ अल्लाह जो इसका यानी अली का मददगार हो तो तू भी इसका मददगार हो जा, और जो इससे दुश्मनी रखे तो तू भी इससे दुश्मनी रख, जो इससे मोहब्बत रखे तू भी इससे मोहब्बत रख, जो इससे बोझ रखे तू भी उससे बोझ रख, जो इसकी मदद करे तू भी इसकी मदद फरमा, जो इसकी इयानत करे तू भी इसकी इयानत फरमा, जो भी इसको रुसवा करे तू उसको रुसवा फरमा, और वो जहां भी हो हक और सदाकत को इसका साथी बना दे। ये इतनी डिटेल में जो हदीस आई है ये सारी मैंने आपके सामने बयान की, लेकिन इससे कहीं पर भी ये मसला साबित नहीं होता जैसा कि शिया हजरात फरमाते हैं कि ये खिलाफत की दलील है। जैसा कि मैंने वाज़े तौर पर आपको इसकी तफसीलात दी कि यहाँ से इमामत की और खिलाफत की कोई दलील नहीं निकलती कि हजरत अली का हक था और माज़ल्ला दूसरे साहबा ने नहीं दिया। अच्छा, जो शिया हजरात में भी कई फ़िरक़े हैं ना, एक इमामिया फ़िरक़ा है
और राफदियों के लिए सबसे बड़ी दलील और हुज्जत है कि हज़रत अली हर शख्स के मुकाबले में इमामत के सबसे ज़्यादा मुस्ताक है। ये राफजी जो हैं ये शियों के नज़दीक बिल्कुल हमारे यहाँ जैसे खवारिज है ना, वैसे शियों में राफजी हैं, बड़े सख्त कट्टर, लेकिन निकले हुए। वो भी उनको ऐसे ही शुमार करते हैं, ये निकले हुए हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम सही हैं, लेकिन ये बिल्कुल खारिज है। तो उनके यहां भी ये है। ये लोग कहते हैं कि हदीस एक नस सरी है जिससे खिलाफत के लिए हजरत अली का हक साबित होता है। हुजूर के इरशाद को 30 सहाबा ने सुना और इस बात की गवाही दी, लिहाजा ये लोग कहते हैं कि इन पर हजरत अली को वही बरतरी हासिल है जो हुजूर को इन पर हासिल थी। इसकी दलील हजरत का इरशाद है कि क्या मैं तुम लोगों के दरमियान खुद तुमसे ज्यादा बरतर और बेहतर नहीं हूं, और ये सही हदीस है और जो सही और हसन सनदों के साथ मिलती है। एक रिवायत में आता है कि एक दफा हजरत अली खुतबा देने के लिए खड़े हुए और अल्लाह ताला की हम तो सना बयान करने के बाद उन्होंने कहा, गदीर खुम के दिन यानी जिस वक्त रसूल अल्लाह वहाँ खुतबे के दौरान हजरत अली के फजाइल बयान फरमा रहे थे, जो शख्स वहाँ हाजिर रहा हो इसे मैं खुदा की कसम देता हूँ कि वो खड़ा हो जाए, और ऐसे शख्स के सिवा जिसके कानों ने खुद वो इरशाद सुना हो और दिल ने नक्श कर लिया हो, कोई दूसरा शख्स खड़े होकर ये ना कहे कि मैंने ये सुना है या मुझे ये मालूम है। इस पर 17 सहाबा खड़े हुए। एक रिवायत में है कि 30 सहाबा इकट्ठे उठे। मुअज्जमुल कबीर में जो हदीस की एक किताब है जिसमें है कि 16 सहाबा और एक रिवायत के मुताबिक 12 सहाबा खड़े हुए। हजरत अली ने इनसे फरमाया कि बताओ तुमने क्या सुना था। इस पर उन्होंने वो हदीस सुनाई और इसमें यह हिस्सा भी बयान किया जिसमें है कि जिसका मौला मैं हूं इसका मौला अली भी है। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कि ये भी दोस्त है, वली और दोस्त मैं हूँ, जिसका मौला मैं हूँ इसका मौला अली भी है। जब तमाम शहरों में फैल गया और हर इलाके के लोगों को इसका इल्म हो गया तो हरस इब्ने नौमान फहरी ने भी ये जुमला सुना। इस पर वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा और मस्जिद नबी के दरवाजे के सामने इसने अपनी ऊँटनी बिठाई, फिर वो मस्जिद में दाखिल हुआ और इस वक्त हुजूर अपने सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे। हरस इब्ने नौमान हुजूर के सामने आकर बैठ गए और कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें हुक्म दिया है कि हम इस बात की शहादत दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं, हमने आपका ये फरमान कबूल किया। फिर आपने हमें हुक्म दिया कि हम रात दिन में 5 नमाजें पढ़ें और रमजान के महीने में रोजे रखें, अपने माल की जकात दें और बैतुल्लाह का हज करें, हमने आपका ये फरमान भी कबूल कर लिया, मगर आप इतने पर भी राजी नहीं हुए बल्कि अब आप अपने चचा के बेटे यानी अली का हाथ बुलंद करके इनकी फजीलत और बरतरी जाहिर की और यहाँ तक कह दिया कि जिसका आका मैं हूँ अली भी इसका आका है। अब बताइए कि आया ये बात अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ हुक्म है या खुद आपने अपनी तरफ से फरमाई है। इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुर्ख हो गईं और आपने इरशाद फरमाया, कसम है उस जात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, ये हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से है, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। ये बात आपने 3 मरतबा फरमाई। इस पर हरस इब्ने नौमान ये कहते हुए खड़े हो गए, ए अल्लाह अगर तेरी जानिब से यही बात हक है, और एक रिवायत के अल्फाज यूं हैं कि ए अल्लाह मोहम्मद जो कुछ कह रहे हैं अगर वही हक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या हमें खौफनाक अजाब दे। इतना कहकर वो चला और खुदा की कसम अभी वो मस्जिद के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा था कि अल्लाह के हुक्म से आसमान से एक पत्थर इसके सर पर आकर लगा और इसके पाखाने के मुकाम से निकल गया, जिससे वो शख्स उसी जगह खत्म हो गया। इसी बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई सूरह मआरिज की कि एक दरख्वास्त करने वाला बराहे इनकार इस अजाब की दरख्वास्त करता है जो कि काफिरों पर वाक़ होने वाला है और जिसका कोई दफा करने वाला नहीं, और जो अल्लाह की तरफ से वाक़ होगा जो कि सीढ़ियों का यानी आसमान का मालिक है। ये 18 ज़िलहिज्जा का वाक़िया है, इसीलिए रावजी लोग इस तारीख को ईद के तौर पर मनाते हैं। चुनाचे बनी बोया की सल्तनत बगदाद में 400 मील तक के इलाके में इस दिन तबल वगैरह बजाकर खुशी मनाई जाती थी। एक रिवायत बयान की जाती है कि जो शख्स ज़िलहिज्जा की 18 तारीख को रोजा रखेगा तो अल्लाह इसको 60 महीनों के रोजों का सवाब अता फरमाएगा। ये हदीस बिल्कुल मुनकर है, झूठी है, मन घड़त है। सही हदीस से यह साबित है कि माह रमजान के रोजे 10 महीने के रोजों के बराबर हैं, लिहाजा ये कैसे मुमकिन है कि इसके अलावा किसी एक दिन का रोजा 60 महीनों के रोजों के बराबर हो। तो यह हदीस बिल्कुल बातिल है।
यहाँ तक उलमा ने लिखा है, शियों और रावजियों ने अपने हक में जो पेश की हैं, इनको एक किताब है जिसका नाम है कौलुल मुताई फी रद्दी अला अहलिल इब्तिदा। इसमें तफसील के साथ इनका रद्द किया गया है और इस किताब में अल्लामा इब्ने हजर हैथमी के हवाले भी दिए गए हैं और बयान किया गया है कि शियों का इस सिलसिले में मुख्तलिफ दलील जो देते हैं उनका रद्द भी वहाँ मौजूद है। मसलन एक दलील ये कि शिया और रवाफिज जब अहदीस से हज़रत अली की इमामत साबित करते हैं तो इस बात पर सब इत्तेफाक जाहिर करते हैं कि एतबार हदीस मुतवातिर का ही किया जाएगा। हदीस मुतवातिर की तारीफ और तफसील मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नहीं तो आप अहदीस का जो मैंने दर्ज दिया था उसमें भी मौजूद है। तो सनद के लिहाज से इस हदीस मुतवातिर सबसे ज़्यादा मजबूत और पुख्ता होती है जिसके हुक्म से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जहाँ तक इस हदीस का ताल्लुक है, अव्वल तो ये खबर वाहिद है जो बहुत कमज़ोर हदीस होती है, दूसरा ये कि इसकी सेहत में ऐसे लोगों ने कलाम और शक का इजहार किया है जो फन हदीस के इमामों में से, जैसे इमाम अबू दाऊद, इमाम अबू हातिम राजी। लिहाजा ये हदीस खुद शियों के उसूल से टकराती है। किसी बिना पर बाज़ अहले सुन्नत ने शियों की इस दलील को बेउसूल करार दिया है। सुभान अल्लाह, शियों और रावजियों का मामला भी अजीब है कि हम इनके मुकाबले में कोई सही हदीस भी दलील के तौर पर पेश करते हैं तो वो कह देते हैं कि ये तो खबर वाहिद है, इससे काम नहीं चल सकता। लेकिन जब वो खुद अपने ख्यालात की दलील किसी खबर वाहिद से लाते हैं तो वो उसको कहते हैं कि मानो। ठीक है, तो ऐसी एक हदीस जो ये लोग पेश करते हैं, ये उनकी पेश की हुई हदीस है कि हजरत अली के बारे में हुजूर ने फरमाया, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के बारे में फरमाया, वो मेरा भाई, मेरा वारिस और दीन के बारे में मेरा खलीफा है। या मसलन वो ये रिवायत पेश करते हैं कि हुजूर ने हजरत अली के बारे में फरमाया, तुम तमाम रसूलों के सरदार हो, तमाम मुत्तकियों के इमाम हो और क़यामत में रोशन जबीनों यानी चमकदार पेशानी वाले लोगों की जमात के सरबराह और कायद हो। या वो एक और रिवायत पेश करते हैं, लोगों का इमाम और अमीर होने के हैसियत से अली पर सलाम भेजा करो। ये तमाम रिवायत झूठी और मनगढ़ंत हैं कि एक सहाबी रसूल रसूलों का सरदार कैसे हो सकता है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इफ्तरा और बहतान है ये सारे, आपने ये बातें इरशाद नहीं फरमाई। तो लफ्ज मौला के कई माने हैं जैसा कि मैंने आपसे बयान किया, बाज उलमा ने 19 माने, बाज ने 20 माने, बाज ने 21 माने। तो इनमें सरदार और सैयद जिसके लिए मोहब्बत और एहतराम रखना मुनासिब है, इस तरह के अल्फाज तो मिलते हैं और जिनके बारे में बुख से बचना चाहिए। लेकिन यहाँ मौला से मुराद ऐसा नहीं है जैसा कि ये लोग बयान करते। तो इससे जाहिर है, हजरत बरीदा वाली रिवायत भी मैंने आपसे पेश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर हजरत बरीदा से और इन्हीं के लिए फरमाई थी वो बात जो मैंने आपसे अर्ज की हजरत बरीदा वाली रिवायत में। इसके बाद मदीने को वापसी में जब आप गदीर कुम के मुकाम पर पहुंचे तो आपने इसी बात को तमाम सहाबा से भी कहा जो आपने सिर्फ हजरत बरीदा से कहा था कि हजरत अली से मोहब्बत रखना। अच्छा, अगर ये हदीस हजरत अली करमल्लाहु वजहु के हक में खिलाफत की दलील है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तशरीफ ले जाने के वक्त, अब दुनिया फ़ानी से तशरीफ़ ले जाने के वक्त ये बात लोगों के सामने रखनी चाहिए थी कि भाई मैंने तो तुम्हारे लिए अमीर चुन लिया है, लेकिन हुजूर ने भी ऐसा नहीं किया। तो बहरहाल शियों के ख़िलाफ़ ये कई दलाइल हैं, एक दलील ये भी मौजूद है और भी कई हदीसें हैं। तो बहरहाल इस लंबी चौड़ी बहस में पढ़ने के बजाय द बॉटम लाइन इस कि इससे किसी भी तरह वो चीज़ साबित नहीं होती जिस पर वो इसरार करते हैं। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहु के अपने पोते की स्टेटमेंट भी मैं आपको दे चुका हूँ। इमाम नवावी से एक मरतबा पूछा गया कि हज़रत का ये जो इरशाद है कि जिसका मैं मौला हूँ इसका मौला अली भी है, क्या इससे ये मतलब निकलता है कि हज़रत अबू बकर हज़रत उमर के मुकाबले में हज़रत अली इमामत के ज़्यादा हकदार हैं? तो इमाम नवावी ने जवाब दिया, इस हदीस से ये मतलब नहीं निकलता, बल्कि इन उलमा के नज़दीक जो इस मैदान में इम्तियाज़ रखते हैं और जिन पर ऐसे मसाइल की तहकीक और एतमाद किया जा सकता है, इस हदीस का मतलब ये है कि जिसका मददगार आका और महबूब मैं हूँ तो अली भी ऐसे ही हैं। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहु के ज़िमन में हमने काफ़ी रिवायात यहाँ जमा की हैं, उसके अंदर शियों के और राफजियों के बड़े अजीब व गरीब, उनके पास इस ज़मीन में रिवायतें आती हैं कि बंदा पढ़ता है तो हैरान रह जाता है कि ये क्या है। तो
एक सख्त किस्म का रावजी जो है वो इन्हीं किस्म की अजीब व गरीब सी बातों पर, जो इनके अजीब व गरीब से बातिल जो है इनके जो है कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा ये भी है कि सारे शिया रावजी नहीं है, शियों में भी रावजी एक किस्म है और शिये भी, सारे शिये भी उनको पसंद नहीं करते। तो ये रावजी हैं जो सहाबा कराम को काफिर करार देते हैं माज़ल्लाह। और फिर और इन्हीं में से एक आदमी हजरत अली के बारे में ये कहता है रावजियों में से कि उन्होंने भी कुफर का इर्तिकाब किया क्योंकि उन्होंने इस कुफर के मामले में काफिरों की मदद की माज़ल्लाह, यानी सहाबा की मदद की। तो सहाबा को काफिर कहता है और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर भी इस किस्म के, तुम नाऊज़ बिल्ला नाऊज़ बिल्ला नाऊज़ बिल्ला। तो बहरहाल अब इन बातों को मजीद डिस्कस करने के बजाय इसको यहीं रोकते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला दूसरी चीज़ों को अगली दफ़ा हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन गदीर कौम का यहाँ पे मामला आया था तो इसको हमने यहाँ पे तफसीलन जिक्र किया। वमा अलैना इल्लल बलाग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद साद क़ादरी।